नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैं YouTube में वीडियो देख रहा था, तब मेरे सामने एक बड़े चैनल की वीडियो आया जो भगवान परशुराम और महर्षि विश्वामित्र में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। दोस्तों, मैं उस चैनल के नाम नहीं बताऊंगा, आप में से जो वो वीडियो देखा है वो ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा और मैं वीडियो देखना शुरू किया। तो दोस्तों, वीडियो में उस चैनल का नैरेटर बहुत ही कॉन्फिडेंट से ये कह दिया कि महादेव से शिक्षा लेने के पश्चात भी भगवान परशुराम के पास पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, मैंने इससे पहले ही भगवान परशुराम के अस्त्र शस्त्र पर एक वीडियो बनाया है, जहां मैंने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवान परशुराम के पास कौन कौन सा दिव्यास्त्र था। दोस्तों, आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया ये वीडियो को पॉज करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण, महाविष्णु पुराण और महाशिव पुराण जैसे कई सारे जगहों में साफ साफ उल्लेख है कि भगवान परशुराम के पास पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र का ज्ञान है। फिर भी उसने बहुत ही आसानी से कह दिया कि भगवान परशुराम के पास ये सारे अस्त्र नहीं हैं। मानो जैसे भगवान परशुराम इतने वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात महादेव के पास गया था उनसे शिक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि उनसे मजाक मस्ती करने के लिए। दोस्तों, मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा कि उस वीडियो में लाखों व्यू था और उसी वीडियो के द्वारा लाखों लोगों तक ये गलत इन्फॉर्मेशन गया कि भगवान परशुराम के पास नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र नहीं था। इसलिए दोस्तों, आप ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, आप आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम और ऋषि विश्वामित्र में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, विश्वामित्र जी पहले एक क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा का कठोर तपस्या करके उनसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र में घनघोर युद्ध हुआ था, जहां ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र द्वारा चलाए ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र को अपने ब्रह्मदंड अस्त्र से एक साथ रोक दिया था। ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र पुनः ब्रह्मा जी का तपस्या करते हैं और उनसे ब्रह्म ऋषि का उपाधि प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ऋषि बनने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र स्वर्ग जाके लगभग सभी देवता, गंधर्व, राक्षस को पराजित कर देते हैं, लेकिन आखिर में ब्रह्मदेव की आज्ञा पाके ऋषि विश्वामित्र रुक जाते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र का तीन प्रमुख शिष्य था, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम। दूसरी तरफ भगवान परशुराम के बात करें तो भगवान परशुराम के मुख्य गुरु थे स्वयं महादेव। उनसे ही उन्होंने समस्त युद्ध कला और दिव्यास्त्र का ज्ञान लिया था। महादेव से सभी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के पश्चात भगवान परशुराम ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र से उनके प्रमुख दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था।
दोस्तों भगवान परशुराम के फीट्स के बारे में बताए तो भगवान परशुराम अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन को उनके समस्त सेना समेत पराजित कर दिए थे। गणेश जी के साथ एक भयंकर युद्ध करके अपने परशु द्वारा उनके दांत काट दिए थे। दोस्तों महाभारत काल में भगवान परशुराम के 3 प्रमुख शिष्य थे, जो था भीष्म, द्रोण और महारथी कर्ण। दोस्तों हमें इन दोनों में कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं लगते हैं, तो इसीलिए हम ये वीडियो में किसी को भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बताएंगे। आपको कौन ज़्यादा शक्तिशाली लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल की हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर कर दीजिए।